राष्ट्रीय लोकदल को एक और झटका लग सकता है। अमरोहा से पार्टी सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नागपाल ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व से उनका मतभेद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाटों के साथ धोखा और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण ये मतभेद है। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि एसपी अपने वादों को पूरा किया है। और इन चार वर्षों के अंदर मैंने महसूस किया कि चौधरी अजीत सिंह साहब मात्र जनता के साथ में छलो छलावा करने के सिवा और धोखा करने के सिवा दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। जाट के आरक्षण के नाम पर इन्होंने उनको समर्थन दिया और उसके पश्चात मंत्री पद लेकर जहाज पर सवार हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अवनीश से। अवनीश, सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? लगता है अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अमरोहा से पार्टी सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नागपाल ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व से उनका मतभेद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाटों के साथ धोखा और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण ये मतभेद है। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि एसपी ने अपने वादों को पूरा किया है और इसी कारण वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल को एक और झटका लग सकता है। अमरोहा से पार्टी सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है कि जाटों के साथ धोखा और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि एसपी ने अपने वादों को पूरा किया है। तो आरएलडी को एक और झटका लग सकता है। सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरएलडी के काफी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल को एक और झटका लग सकता है। सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है कि जाटों के साथ धोखा हुआ है और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण वो ये फैसला ले सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अवनीश विद्यार्थी से। अवनीश, देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? अवनीश से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, पहले भी विधानसभा चुनाव में आरएलडी के काफी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और एक और बार आरएलडी को एक और झटका लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय लोकदल को एक और झटका लग सकता है। अमरोहा से पार्टी सांसद देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश विद्यार्थी। अवनीश, देवेंद्र नागपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल इस बात की लगातार संभावनाएं हैं और जिस तरीके से साफ तौर पर मतभेद जो है उभर पड़े राष्ट्रीय लोकदल के अंदर, उसकी बात की जानकारी भी जो है देवेंद्र नागपाल ने पार्टी आलाकमान को दे दी है कि वो पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है, जो कामकाज का रवैया है, उससे नाखुश हैं और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पार्टी में जो है वो एक तो जाट आरक्षण के मुद्दे पर जाट वर्ग के साथ जो है वो दगा किया है और साथ ही साथ जो उम्मीदें जो अपेक्षा वहां की क्षेत्र की जनता को थी खासतौर पर आरएलडी पार्टी से, उस पर पार्टी कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी और इससे देवेंद्र नागपाल नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, उसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, तो उनको उस पार्टी की नीतियां बिल्कुल अच्छी लग रही हैं और उन्होंने ये भी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है,
आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर कर सकती है, इसलिए वैचारिक तौर पर उनका जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। अवनीश, क्या लगता है कि किस लेवल तक ये बात गई है, क्या कुछ टिकट वगैरह की बात हुई है? नहीं, देखिए देवेंद्र नागपाल एक कदावर नेता है, वो करीब 1 लाख मतों के अंतर से अमरोहा की सीट उन्होंने आरएलडी के खाते में दिलाई थी। इससे पहले उनके भाई भी वहां से निर्दलीय सांसद रहे थे, तब देवेंद्र नागपाल निर्दल विधायक थे। तो पॉलिटिकल तौर पर अगर कहें तो लगातार सफलताएं मिलती रही है देवेंद्र नागपाल को, तो ऐसे में टिकट को लेकर भी कोई बहुत दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि वैचारिक मतभेद जो है वो शायद आरएलडी के अंदर जो है उसके वरिष्ठ नेताओं से उनके रहे, और शायद यही वजह है कि अब वो समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख दिखा रहे हैं। अवनीश, पहले भी कई नेताओं की नाराजगी देखी जा चुकी है, पहले भी चुनाव में कई लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। यह बिल्कुल, जब चुनावी साल खासतौर पर आता है इस तरीके से तो नेताओं का पार्टियों में इधर उधर जो है बदलने का दौर चलता है। निश्चित तौर पर उसी की एक कड़ी देवेंद्र नागपाल के लिए भी है, और वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो सकता है कि तकनीकी तौर पर अभी वो समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के साथ जो है वो केवल अटैचमेंट के तौर पर जुड़े रहे, आरएलडी को तकनीकी रूप से न छोड़े, लेकिन लगभग उनका और आरएलडी पार्टी का जो संबंध एक तरीके से वो आखिरी दौर में है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं शामली में हुई दरिंदगी की।